अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज्जज सामईन व नाज़रीन, जिस तरह के आप अहबाब जानते हैं कि मरकज़ इखलास की जगह जो भारी कीमत से ली गई थी, अल्लाह के फजल व करम से जगह की कीमत अदा हो चुकी है और मुतलका जगह का नक्शा जो है वो अल्लाह के फजल से आखिरी मराहल में है। एक दो दिनों तक उसकी तामीर का सिलसिला बहुत जल्द शुरू कर देंगे और इसमें एक नया मोड़ ये आया है कि हमने हॉस्पिटल की जगह जो है उसको एक साइड पर कर दिया है। एक प्लाट जो तकरीबन 80 से 85 लाख के करीब का है वो हमने अल्लाह के फजल व करम से परचेज कर लिया है हॉस्पिटल के लिए, ताकि हॉस्पिटल का ये मंसूबा थोड़ा अलग हो जाए। तो आप अहबाब से गुजारिश है कि आप जो है मरकज़ इखलास की जो तामीर शुरू हो चुकी है उसमें भी आपका भरपूर तामन चाहिए, और जो जगह हमने हॉस्पिटल की ली है उस पे भी आपका भरपूर तामन चाहिए। अब देख लें, हजरत मौलाना जुबैर कासमी साहब बीमार हैं। यकीन जाने जब भी कोई आलिम इस तरह का बीमारी में मुबतला होता है तो बड़ी परेशानी होती है और दिल चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ऐसा करम फरमा दे, ऐसे गैबी मदद आ जाए कि मैं रातों रात हॉस्पिटल तैयार कर लूं और पाकिस्तान के जिस कोने में भी कोई आलिम बीमार हो मैं जाकर उसे लेके आऊं और उसका फौरन इलाज शुरू कर दूं। लेकिन ये कुछ मामलात हैं, दुनिया है और दुनिया के अंदर ये रुकावटें होती हैं। आपकी जब मदद होगी, माओ बहनों की दुआएं होंगी, बुजुर्गों की दुआएं होंगी, आप अहबाब का तावन होगा जो पूरी दुनिया में इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं हजरत मोहतरम भाई जफर साहब की वसादत से, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत करम कर देंगे। आप अहबाब से गुजारिश है, नेक महीना चल रहा है, भरपूर पिछले साल की तरह भरपूर तावन करें तामीरी सिलसिले में भी, और हॉस्पिटल की ये जो नई हमने जगह खरीदी है इसके लिए भी अल्लाह पाक आप सबको बरकत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।